हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। आज हम लोग 2020 के इम्पोर्टेंट जीआई टैग देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग होता है एक कोई पार्टिकुलर जगह, कोई उत्पाद, अगर जहाँ पे कोई उत्पाद किसी पार्टिकुलर जगह में पैदा होता है, उस जगह को एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। सबसे पहले इंडिया में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था 2004 में। अब तक कुल 361 भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग दिया कितने वर्षों के लिए जाता है? किसी भी उत्पाद को जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से अप्लाई करना होता है जीआई टैग के लिए। जो जगह जहाँ के लिए फेमस है, जैसे रसगुल्ला उड़ीसा और बंगाल के लिए फेमस है तो वहाँ के लिए दिया जाता है। भागलपुर का लीची फेमस है तो मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है तो उसको लीची के लिए दिया जाता है। मतलब जो उत्पाद जिस जगह पे होता है उस जगह के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और इससे उस स्टेट को फायदा होता है, जिस स्टेट को या जिस जगह को जीआई टैग मिलता है उससे उसका बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस बार उड़ीसा को मिला है कंधमाल हल्दी के लिए और रसगुल्ला का, तो जीआई टैग इस बार उड़ीसा को मिला है। एक मिला है कंधमाल हल्दी, दूसरा रसगुल्ला, दो चीज़ के लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु को मिला है पंचामृत के लिए और इरोड टर्मेरिक के लिए। पंचामृतम इसलिए फेमस है क्योंकि पहली बार किसी प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है। ये पंचामृतम है जो पांच चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्त, तो ये तमिलनाडु को मिला है इस बार। नेक्स्ट, बिहार को मिला है शाही लीची के लिए जीआई टैग, भागलपुर सिल्क के लिए, जरदालू आम के लिए और मगही पान के लिए। चार चीज़ों के लिए इस बिहार को जीआई टैग मिला। शाही लीची फेमस है, भागलपुर का साड़ी सिल्क, जरदालू आम और मगही पान, ये सारे बिहार को मिला है इतने सारे जीआई टैग। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका को ज्वाइंटली मिला है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। ये दोनों को मिला है, एक साथ मिला है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को ज्वाइंटली मिला है जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल के लिए। नेक्स्ट, कश्मीरी सैफ्रॉन जम्मू कश्मीर को मिला है। दोस्तों, हम जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा सैफ्रॉन जो केसर जो है जम्मू कश्मीर में होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर को मिला है केसर के लिए जीआई टैग। नेक्स्ट, बिहार को मिला है कतरनी राइस के लिए भी जीआई टैग मिला है। जरदालू मैंगो के लिए और मगही पान, ये दोनों रिपीटेड है, लेकिन कतरनी राइस के लिए भी मिला है बिहार को जीआई टैग, काफी फेमस है। बासमती के लिए मिला, पूरा इंडिया को जीआई टैग मिला बासमती चावल के लिए। इंडिया का बासमती चावल दुनिया में बड़ा फेमस है, यहाँ से बाहर के कंट्री में हम इम्पोर्ट करते हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान भी मांग रहा था जीआई टैग मुझे भी मिले बासमती राइस के लिए भी, तो उसको भी इस बार दिया गया, लेकिन इंडिया के बासमती राइस को कब से जीआई टैग मिला हुआ है। और इंडिया का बासमती राइस पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से इम्पोर्ट होता है, पूरी दुनिया के लोग काफ़ी पसंद है, तो इस बार पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन इंडिया के नाम से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि बासमती राइस इंडिया में ही होता है, तो बासमती राइस को मिला है इंडिया का जीआई टैग। उत्तर प्रदेश को मिला है फिरोजाबाद ग्लास कांच की चूड़ियाँ के लिए और परफ्यूम के लिए मिला है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा फिरोजाबाद में बनती हैं। नेक्स्ट, खोला मिर्च जो है इसके लिए गोवा को मिला है, काफ़ी तीखा होता है, इसको इस बार टैग जीआई टैग मिला है गोवा के लिए। गुजरात के मिला है गिर केसर मैंगो को, गिर से गुजरात और गिर
नेशनल पार्क गुजरात में है, इससे याद कर लीजिएगा, गुजरात को मिला है गिर केसर मैंगो के लिए। असम को मिला है काजी नींबू के लिए, असम को मिला है काजी नींबू के लिए जीआई टैग। ये देख लीजिए काजी नींबू कितना बड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट नागालैंड को मिला है नागा मिर्चा के लिए, ये नागा मिर्चा बड़ा छोटा छोटा बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो नागा मिर्चा के लिए नागालैंड को मिला है जी आई टैग। सारे मैंने इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए हैं 20 जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को मिला है लखनऊ चिकन क्राफ्ट के लिए, ये देखिए कितना हाथों से इसको बुना जाता है, ये हाथों का बनाया हुआ डिजाइन है कितना सुंदर होता है, इसके लिए मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश को मिला है तिरुपति लड्डू के लिए, वहाँ का लड्डू काफ़ी फेमस होता है तिरुपति का, इसलिए आंध्र प्रदेश को मिला है तिरुपति लड्डू के लिए जीआई टैग। वेस्ट बंगाल को मिला है दार्जिलिंग टी के लिए, वेस्ट बंगाल को दार्जिलिंग टी के लिए मिला है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि सबसे पहले दार्जिलिंग टी को ही मिला था 2004 में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का टेराकोटा, ये मिट्टी के बना हुआ मूर्ति होता है, ये देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर होता है, तो गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है इस बार जीआई टैग। काफ़ी प्यारे प्यारे मूर्ति बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट कर्नाटका में उडुपी साड़ी को मिला है जीआई टैग, कर्नाटका के उडुपी साड़ी ये देख लीजिए कितना अच्छा डिजाइन है और ये काफ़ी फेमस साड़ी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में मिला है चंदेरी साड़ी को, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में मिला है सोलापुर चद्दर को, महाराष्ट्र का मिला है जीआई टैग, ये महाराष्ट्र के सोलापुर में होता है, ये वहाँ का फेमस प्रोडक्ट है। नासिक ग्रेप्स के लिए मिला जीआई टैग नासिक को, वहाँ पे ग्रेप्स सबसे ज़्यादा होते हैं, इससे वाइन वगैरह भी बनते हैं, लेकिन नासिक जो है ग्रेप्स के लिए ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 20 इम्पोर्टेंट जीआई टैग देखे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। एक बार दोबारा देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, एक क्योंकि मैंने 20 ही कलेक्ट किए हैं बट सारे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।